ग्राफिक किस किस के लिए? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल एंड द करंट थ्रू द सेल, और इसमें आपको ईएमएफ ऑफ द सेल फाइंड करना और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना। वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द केस इस तरह के क्वेश्चन में ग्राफ केवल यहां तक दिया होता है, ए से लेके सी तक का, और ये जो डॉटेड लाइन है इधर आगे पीछे ये एक्सटेंड करनी पड़ती है। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, और जैसा यहां आपको सामने डायग्राम बनाया एग्जैक्टली ऐसे डायग्राम बोर्ड में आया था, एग्जैक्टली यही आता है, लेकिन कई बार और भी आ चुका है ये क्वेश्चन। और आया कैसे है? आया ऐसे है कि इसमें केवल ये ए से लेके सी तक का या ए से बी तक का थोड़ा सा पार्ट ड्रॉ था, आगे पीछे डॉटेड लाइन से हमें बढ़ाना पड़ेगा इस ग्राफ में, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट है ये। ईएमएफ के लिए कुछ भी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी, सीधे सीधे वाई एक्सिस पर जहां भी ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये ईएमएफ ऑफ सेल होता है। देखिए ना, जब करंट जीरो है, याद कीजिए पीछे हमने पढ़ा था, व्हेन देयर इज नो करंट थ्रू द सेल द टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ईएमएफ। तो यहां इस ग्राफ में लिखा हुआ है 1.4, तो आपने सिंपली क्या लिखना है, आपने लिखना है व्हेन आई इक्वल जीरो वी इक्वल्स ई, देयरफॉर ई इक्वल्स 1.4 वोल्ट। कुछ नहीं करना, सिंपली यहां जहां भी ये वोल्टेज को जाकर इंटरसेक्ट कर रहा हो, बशर्ते कि ये टर्मिनल वोल्टेज वी और करंट का ग्राफ हो, अगर ये कुछ और ग्राफ है तब ये कंडीशन नहीं बनेगी। अब आगे आपसे कहा गया क्या, आगे आपसे क्या पूछा गया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। वी आई ग्राफ में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इस ग्राफ का निगेटिव ऑफ स्लोप, ग्राफ का स्लोप निगेटिव है। ठीक है, तो स्मॉल आर इक्वल्स व्हाट, निगेटिव ऑफ स्लोप। अब इसका स्लोप आप फाइंड कर लीजिए, कितना स्लोप फाइंड करेंगे, कहां से फाइंड करेंगे? अच्छा, किसी को याद है स्लोप फाइंड करना? 11th में जरूर बताया होगा मैंने, बताया था ना 11th क्लास में। हाँ, तो कैसे करेंगे इसका स्लोप बताओ, टेन थीटा। हाँ, टेन थीटा तो है ही, लेकिन जब यहां हमें थीटा दिखाई ना दे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां इसका जो स्लोप बनेगा आपका, ये बनेगा y2 - y1 / x2 - x1 क्या है, परपेंडिकुलर। x2 - x1 क्या है, बेस। किसका बेस है ये, कोई भी एक ट्रायंगल आप कंसीडर कर लीजिए, यहां से ए आपने ये ट्रायंगल बना लिया, कौन सा ट्रायंगल बना लिया, इस पॉइंट को मैं पी लिख देता हूं, एपीसी ट्रायंगल ले लिया आपने, एपीसी ट्रायंगल का स्लोप ले लीजिए आप। तो यहां से y2 कितना है बताओ, y2 कितना है इस ट्रायंगल में, कितना 1.2, और y1 कितना है 1.4, तो माइनस 1.2 माइनस 0.4, और x2 - x1 कितना हो गया 0.2। उल्टा बोल रहे हो आप, x2 में उल्टा उल्टा हो जाएगा ये, देखो ये फर्स्ट पॉइंट आपने ये लिया ना, सॉरी देखो आपने y2 कहां लिया है, y2 a पर लिया है, तो x2 कहां है, सुनो आपने y2 किसे लिया है, देखो 1.2 को लिया है ना, तो ये पॉइंट आपका क्या है x2 y2 है, और ये वाला पॉइंट क्या है x1 y1 है, उल्टा भी ले सकते हो आप। तो अब यहां देखो
एक्स टू कितना बना? 0.04। और एक्स टू कितना बना? एक्स वन कितना बना है? 0.20। और अब आप ले लीजिए, ऊपर से तो आंसर कितना आएगा? 0.8। और नीचे से आंसर कितना आएगा इसका? 20 में से 4 घटा तो 16, माइनस 0.16। और एक में निगेटिव है ही है, इसीलिए तो निगेटिव का निगेटिव फिर पॉजिटिव आ जाता है। याद रखना, इंटरनल रेजिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव निगेटिव नहीं पॉसिबल है, कोई भी रेजिस्टेंस निगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो अब ये कितने बन गए बताना? 5 हो गया, सीधा सीधा कितना निकल कर आ गया? 5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस निकल कर आ गया। सिंपल ही होते इस टाइप के क्वेश्चन, ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट था। इसे कर लो, फिर एक और कर लेना इसके बाद में, इसी जैसा ही क्वेश्चन है ये। क्या है इसमें? आपको ग्राफ गिवन है, ग्राफ गिवन है, किस किस में गिवन है ग्राफ? वही टर्मिनल वोल्टेज वी यूनिट वोल्ट, और करंट थ्रू द सेल करंट, और यूनिट इसकी एम्पियर। और यहां आपको एक ग्राफ गिवन है ऐसा, दोनों एक्सिस पर मिला रखा है, यहां लिखा हुआ 5.6, ठीक है, और यहां लिखा हुआ है 2.0, करेक्ट। अब आपसे पूछा गया है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, ये क्या है? ये ग्राफ किसके लिए है? फोर आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज, सीरीज में 4 आइडेंटिकल सेल आपने बनाए हैं, डाले हैं, तब उसके लिए ये ग्राफ आपको मिला है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ ईच सेल, बताइए। सामने लिखा हुआ आंसर है इसमें बिल्कुल 5.6 नहीं है ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है, ध्यान से समझिए। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 आइडेंटिकल सेल इन सीरीज, सीरीज में बैटरी का ईएमएफ कितना होता है? ईएमएफ ऑफ बैटरी इक्वल्स एन इंटू ई। अब ये ईएमएफ ऑफ बैटरी आपके इस ग्राफ से निकल कर आया कितना? 5.6, कितने सेल है? 4 सेल है, इंटू ई, तो यहां से ई कितना निकल कर आएगा बोलो? 1.4 वोल्ट। समझ गए, बस इतनी सी छोटी सी बात थी कि ये आपको जो ग्राफ गिविन है, ये जो ग्राफ गिविन है, ये एक सिंगल सेल के लिए ना कह करके एक बैटरी के लिए कह दिया, जिसमें कि बैटरी, बैटरी का मीनिंग होता है हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मोर देन वन सेल जब आप यूज करोगे तो ये कॉम्बिनेशन बैटरी कहलाएगा, चाहे वो सीरीज में हो या पैरेलल में, ठीक है। अब आपसे पूछा गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, निकाल लोगे? स्लोप निकालो इसका निगेटिव, सीधे सीधे ये वैल्यूज आपको गिविन है, स्लोप निकालिए, स्लोप का निगेटिव क्या हो गया? इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन वो इंटरनल रेजिस्टेंस किसका होगा? 4 सेल का होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी होता है एन आर। 4 सेल आपने लगा रखे, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना निकाला? स्लोप से निगेटिव निकाला, और फिर स्मॉल आर वहां से निकल कर आ जाएगा, करेक्ट है बात, ये निकल जाएगा। कितना निकल कर आया बताओ? आर की निकल कर आया 0.7 ओम। ओके, एक क्वेश्चन इसमें और पूछा गया, एक क्वेश्चन और पूछा गया, फॉर व्हाट करंट फॉर द सेल डज मैक्सिमम पावर डेसिपेशन इन द डेसिपेशन अगर इन द सर्किट, फॉर व्हाट करंट, कितनी करंट के लिए मैक्सिमम पावर हो जाएगी? तो मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। तो जब करंट मैक्सिमम, तभी क्या है? पावर मैक्सिमम। तो एक्चुअल में आपको क्या पूछा गया इसमें? इसमें आपको मैक्सिमम करंट पूछी गई है, और किसी भी बैटरी से मैक्सिमम करंट कब ली जाती है, कब ली जा सकती है? फॉर मैक्सिमम करंट क्या होना चाहिए? इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस इसका आपने निकाल लिया कितना? 2.8 ओम। ना, पूरी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस सिर्फ एक सेल का निकल कर आया, आपको चाहिए पूरी बैटरी का, तो पूरी बैटरी का रेजिस्टेंस निकल कर आया कितना? 2.8 ओम। अब ये जो 2.8 ओम है, तो
इंटरनल रेजिस्टेंस ये है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, 2.8 ओम। जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट दोनों आपस में इक्वल होंगे तब आप मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब करंट मैक्सिमम कितनी होगी, अब करंट आपकी मैक्सिमम होगी एन इंटू ई, या फिर सीधे सीधे आप लिखो ईएमएफ ऑफ बैटरी, पूरी बैटरी का ईएमएफ डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कितना आंसर आया बताओ, ये आंसर आपका बनेगा क्या बनेगा, ये आंसर आपका बनेगा कितना, ईएमएफ ऑफ बैटरी कितनी है 5.6, इंटरनल रेजिस्टेंस भी 2.8 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कितना 2.8, दोनों को लेकर के कितना आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर की मैक्सिमम करंट आएगी। तो 1 एम्पियर करंट के लिए आपकी पावर डेसिपेशन भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8.0 वोल्ट, दिस इज ए स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 0.8 वोल्ट, ओके, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर 0.5 ओम, करेक्ट, इज बीइंग चार्ज्ड बाय अ 120 वोल्ट डीसी सप्लाई। इसको आपने चार्ज कर रहे हैं, आप किससे चार्ज कर रहे हैं, इससे एक सप्लाई से, कितना 120 वोल्ट की डीसी सप्लाई से। याद रखिएगा हमेशा कि जब भी आपको बैटरी चार्ज करनी होगी तब आपका चार्जिंग सोर्स का वोल्टेज बैटरी के ईएमएफ से ग्रेटर ही होना चाहिए, वरना चार्ज नहीं होगी। आपका मोबाइल जो है 5 वोल्ट का चार्जर होता है, जबकि मोबाइल की बैटरी कितनी होती है 3.7 वोल्ट की होती है। तो यहाँ 8 वोल्ट की बैटरी को 120 वोल्ट से चार्ज कर रहे हैं सोर्स से, और साथ ही कहा ए सीरीज रजिस्टर ऑफ 15.5 ओम, इसके साथ में एक सीरीज रजिस्टर और डाला है कितना 15.5 ओम, ओके। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी, वी आपको फाइंड करना है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी, ये टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी आपको फाइंड करना है। और साथ में आपको क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट, इस रजिस्टर का पर्पस आपसे पूछा गया कि ये क्यों लगाया गया, सीरीज रजिस्टर क्यों लगाया गया। चलिए पहले तो हम सिंपल से एक बात देखो, इस तरह के क्वेश्चन को आप किरचॉफ लॉ से भी कर सकते हैं, या अगर आपको कंफर्मली है, अगर आप कंफर्म है कि बैटरी को चार्ज किया जा रहा है, बैटरी को चार्ज किया जा रहा है, व्हेन द बैटरी इज अंडर चार्ज, जब बैटरी अंडर चार्ज है, जब बैटरी को चार्ज किया जा रहा है, उस कंडीशन में आपका V इज इक्वल टू E प्लस आई आर हो जाता है, ठीक है। ये तो कंफर्म है कि आपसे कह दिया गया कि चार्ज किया जा रहा है, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई। और अगर आपको ये पता न लगे कि चार्ज किया जा रहा है या क्या है, तो आप सिंपल किरचॉफ लॉ लगा लीजिए, दो ईएमएफ है, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। अगर आप क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो 120 वोल्ट प्लस में आएगा आपका, और इसे क्या लिया जाएगा माइनस में। अगर आप ट्रेसिंग अपनी एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो इसे माइनस में लिया जाएगा, इसे प्लस में, दोनों तरफ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हमें इस यहां करने के लिए पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा करंट, तो करंट कितनी है, करंट करंट के लिए अब देखो बिना किरचॉफ लॉ के जब आप करंट फाइंड करोगे इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि नेट ईएमएफ कितना है। ध्यान दीजिए कि जो बैटरी अंडर चार्ज है ये करंट को चलाने की कोशिश में है, कैसी, एंटी क्लॉकवाइज। और जो आपका चार्जिंग सोर्स है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कैसे चलाने की कोशिश में है, ये क्लॉकवाइज चलाने की कोशिश में। लेकिन बड़ा कौन है इसमें से, कौन ज्यादा हैवी है, कौन है 120 वोल्ट। तो आई फाइंड करने के लिए आपका क्या बनेगा बोलिए, नेट ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब यह नेट ईएमएफ कितना है, 120 वोल्ट चार्ज है और 8 वोल्ट इसके अपोजिट पड़ रहे हैं,
और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 15.5। तो ये 15.5 प्लस 0.5 तो कितना आंसर आपका बना, ये क्या चीज, अच्छा नहीं मैंने गलत कर दिया भाई, 8.0 वोल्ट, 0.8 वोल्ट की बैटरी तो फट जाएगी 2 मिनट में 120 वोल्ट के सामने, गलत कर दिया मैंने, हाँ 8.0 वोल्ट है, और 0.8 वोल्ट की तो शायद ही कोई बैटरी होती हो, होती हो तो फिर उसे यूज क्यों करेंगे इतनी, इतने कम ईएमएफ की बैटरी को। कितना आंसर बना बताओ, हाँ कितना आंसर आया, 7 एम्पियर करंट, 7 एम्पियर की करंट हो गई। अब ये फॉर्मूला लिखिए आप, V इज इक्वल टू E प्लस IR, E कितना है 8 वोल्ट, I कितना निकाल लिया आपने 7, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, तो 8 प्लस 3.5 कितना हो गया 11.5 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज हो गया इसके, जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, अंडर चार्ज प्रोसेस में है ये, ठीक है। अगर आप किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो भी यही आंसर आएगा, तब आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि किसे प्लस में लेना किसे माइनस में लेना। अगर आप किरचॉफ लॉ नहीं लगाते तो सीधी बात है, सोर्स हमेशा बड़ा होगा किससे, चार्जिंग बैटरी से, तो आप सोर्स वाले को ही प्लस ले लीजिए, इसको अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ले लीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा, प्लस में ही आएगी करंट आपकी, यानी कि सोर्स ही तो है ताकत स्ट्रॉन्गर, लार्जर ईएमएफ कौन है, सोर्स, यही करंट को ड्राइव कर देगा। लेकिन इफेक्टिव ईएमएफ कितना बचेगा, सोर्स की ईएमएफ में से आपको सबट्रैक्ट कर देना, क्या बैटरी अंडर चार्ज का ईएमएफ, ठीक है कीजिए। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि पर्पस क्या है, इस रेजिस्टेंस को सीरीज में डालने का पर्पस क्या है, हाँ हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है, चल मैं कर देता हूँ, देखो ध्यान से, 120 वोल्ट की बैटरी को आपने, 8 वोल्ट की बैटरी को 120 वोल्ट से आपने चार्ज किया है, बैटरी का अपना रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम। हम ये मानकर के चल रहे हैं कि जिस सोर्स से बैटरी को ड्राइव किया जा रहा है, करंट को ड्राइव किया जा रहा है, इस सोर्स का अपना कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, जीरो है। अगर ये आपका आर ना हो, इन द एब्सेंस ऑफ कैपिटल आर, करंट कितनी होगी 120 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 0.5, 112 बाय 0.5 कितनी 224 एम्पीयर की करंट, 224 एम्पीयर की करंट, 224 एम्पीयर की करंट अगर इसमें फ्लो कर गई तो कितनी जबरदस्त हीट जनरेट होगी, कितनी हीट जनरेट होगी, पावर डेसिपेशन कितना होगा, आई स्क्वायर आर, चलो आई स्क्वायर कितना 224 का स्क्वायर, चलो आर कितना 0.5, इट इज टू लार्ज, इतनी ज्यादा पावर इसमें डेसिपेट होगी, इतनी ज्यादा हीट जनरेट, पावर डेसिपेशन का मतलब हीट, इतनी हीट जनरेट होगी कि ये बहुत जल्दी कुछ ही टाइम में नॉन रिवर्सिबल चेंजेस हो जाएंगे इसके अंदर, ये फट जाएगी, जिसे हम कहते हैं फट जाना, एक्चुअल में ऐसी फटती बैटरियां कि जब उसमें एक्सेसिव करंट फ्लो करने लगती है और एक्सेसिव हीट जनरेट हो गई, उतनी हीट डेसिपेट नहीं हो पाती बाहर सराउंडिंग में, और पूरी की पूरी बैटरी में फिजिकल चेंजेस हो जाएंगे नॉन रिवर्सिबल, जो वापस नहीं हो सकते, खत्म हमेशा के लिए। तो ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का एक स्पेशल नाम है, एक स्पेशल नाम है, इट इज कॉल्ड लिमिटिंग रेजिस्टेंस, लिमिटिंग। अब इसके नाम में ही पता लग गया कि क्या काम करता है, ये नाम में पता लग गया क्या काम करता है, क्या काम करता है, इट लिमिट्स द करंट थ्रू द बैटरी टू किस लेवल तक, टू सेफ टॉलरेबल लेवल,
इसका काम क्या है? इसका काम है करंट को कम करना, लिमिट। कहां तक करंट को कम करना? जिस करंट को ये बैटरी जो भी अंडर चार्ज है ये टॉलरेट कर सकती है। समझे भाई? यहां आपको इसकी करंट कितनी निकल कर आ रही है? करंट 7 एम्पियर करंट निकल कर आ रही है। तो अगर ये कार की बैटरी भी अगर है तो 7 एम्पियर बड़े आराम के साथ टॉलरेट कर पाएगी। इसमें कोई भी फिजिकल नॉन रिवर्सिबल फिजिकल चेंज इसमें नहीं होगा। क्लियर है बात?